नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। वही 90 मिनट से अधिक के संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों की बात की, तो वही मणिपुर का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में भव्य गरिमामय कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के 4 पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया। इनके अलावा एक अधिकारी को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह और एक को विशिष्ट कार्य के लिए सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह दिया गया। वहीं परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों को मेडल लगाकर सम्मानित किया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में परेड का निरीक्षण कर ध्वजारोहण किया। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ में लोगों की जान बचाने वाले खमाड़ों के SDM संजीव कुमार समेत 13 शख्सियतों को सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हो गई। वहीं बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जब अपना संबोधन दे रहे थे, तब अचानक एक युवक उनके मंच के सामने आ गया। वह मुख्यमंत्री के डी में घुस चुका था। जब तक जवान उसे रोकते, तब तक वह आक्रोश जताने लगा। युवक की हरकत देख सभी लोग दंग रह गए। वहीं देश भर से आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई संदेश सामने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और BSP प्रमुख मायावती ने देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं विभाजन विभीषिका दिवस पर इंदिरा कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के उस समय के नेताओं ने तब आंख खुली रखी होती, तो भारत की मौजूदा स्थिति अलग होती। लाखों लोगों की हत्याएं नहीं होती, महिलाओं से दुष्कर्म नहीं होता और ना ही देश का विभाजन होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम सब एक नए भारत को देख रहे हैं। हमारे संस्कार हमें सदैव माता भूमि पुत्र हम प्रतिज्ञा के साथ जोड़ते रहे। हमने इस धरती को कभी धरती का टुकड़ा नहीं माना, बल्कि हमने इसे माँ का दर्जा दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी CAG की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार को घेरने में जुट गई। आप नेताओं ने कहा कि CAG रिपोर्ट ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का असली चेहरा देश के सामने उजागर कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। इन खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।